चलिए बात करते हैं बाढ़ और बारिश से बेहाल भारत की। भारत के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी, बिहार जैसे राज्य बाढ़ से पूरी तरह से परेशान है। और इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे मुसीबत और भी बढ़ सकती है। भारत के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और आम जनजीवन बाढ़ और बारिश से अस्त व्यस्त है। ये राजस्थान के बारां की तस्वीर है, जिसमें लोग एक रस्सी के सहारे नदी को पार करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के बारां में बाढ़ लोगों के लिए आफत बनकर आई। कई गाँवों की पुलिया टूट गई तो कई गाँवों के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। इसके बाद लोगों ने गांवों से निकलने के लिए टूटी पुलिया के बीच बिजली का तार बांधकर निकलने का रास्ता बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग उफनाती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। अब जरा बाजारों का हाल भी देखिए, किस तरह यहां पर दुकानों और सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि जलस्तर और बढ़ा तो कुछ भी बचाना मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश भी बारिश से बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के बाद अशोकनगर चंदेरी राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के 12 गेट खोले गए। बांध प्रशासन द्वारा 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संपर्क इस इलाके में टूट गया। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। यहाँ पर पुल के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। ये बिहार के कटिहार की तस्वीर है, जहां पर बाढ़ के बाद कटान की जद में एक मस्जिद आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ये मस्जिद नजर आ रही है, लेकिन कटान की वजह से इसके कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अचानक पानी बढ़ने के बाद ये पूरी मस्जिद भरभराकर गिरी और गंगा नदी में विलीन हो गई। ये उत्तर प्रदेश के झांसी की तस्वीरें हैं, जहां पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से माता टीला बांध पानी से लबालब भर गया। पानी ज्यादा बढ़ जाने पर माता टीला बांध के गेट खोलकर 95,000 क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ा गया, जिसके बाद बेतवा नदी उफान पर है। इसलिए जिला प्रशासन ने बेतवा नदी के आसपास के सभी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। यूपी के मिर्जापुर में गंगा के साथ उसकी सहायक नदियों में पानी बढ़ने के बाद कई गाँवों में बाढ़ आ गई है। कर्णावती नदी में पानी बढ़ने से पुल डूब गया। गाँव के लिए बने एकमात्र पुल के डूबने से ग्रामीणों का शहर से संपर्क टूट गया। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसने से ग्रामीणों की मुश्किल भी बढ़ गई। न कुछ हटा सकत गए, न कुछ बहुत नुकसान भगाए, गोरु कुछ भरे दाना पानी सब भीजा, कितना का कर गए। सरकार को मदद नहीं देता हमें, मैं 3 साल जब जब बुढ़े थे कुछ मदद नहीं देता हमें। अकोड़ी गाँव है और यहाँ पे नाव का दिक्कत है और जो है पुल डूबा हुआ है, ये देख ही रहे हैं आपकी जो है यहाँ पर भी पूरा डूबा हुआ है। कुल मिलाकर बाढ़ और बारिश से कई राज्यों के लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। इधर मध्य प्रदेश के कई बाढ़ प्रभावित जिलों में बारिश की चेतावनी के बाद मुश्किलें और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।